तो यार आज हम चलेंगे इंडिया से थाईलैंड की ओर, जिसमें हम बैंकॉक और पटाया का टूर करेंगे 4 to 5 डेज़ का, और देखेंगे इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है अगर आप विजिट करते हो। और अगर आप प्लान बना रहे हैं थाईलैंड बैंकॉक पटाया घूमने का, तो इसमें हम देखेंगे फ़्लाइट टिकट्स, होटल, फूड एक्सपेंसेस, वहाँ के लोकल मोन्यूमेंट्स वगैरह विजिट करने के टिकट प्राइसेस, ट्रैवल वीज़ा कितने का पड़ेगा, और ये सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल आपका टूर पैकेज एक अच्छा कितने में बन सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बैंकॉक की फ़्लाइट टिकट्स की, जो कि आपको दिल्ली से अगर आप लेते हैं तो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये की आना जाना पड़ेगा। और यही फ़्लाइट अगर आप कोलकाता से लेते हैं तो आपको 10 से 11 हज़ार में पड़ सकता है, क्योंकि वो थोड़ा पास में है। तो फ़्लाइट टिकट्स के बाद बात कर लेते हैं फूड एक्सपेंसेस की, जो कि 5 डेज़ का 5000 रुपये अप्रॉक्स मान के चलते, क्योंकि 1000 रुपये पर डेज एक सफिशिएंट और एक अच्छा खाना आप इसमें खा सकते हैं वहाँ पे। और सभी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इटालियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, इंडियन खाना है, सभी फूड वहाँ पे अवेलेबल है। और 1000 रुपये पर डेज वहाँ पे एक काफ़ी इजीली और एक अफोर्डेबल मील आपको वहाँ पे मिल जाएगी। होटल की बात कर लेते तो थाईलैंड में होटल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, वहाँ पर आप 2 से 2500 रुपये में 3 स्टार होटल, रिसोर्ट टाइप, विलास टाइप अगर आप वहाँ ले सकते हैं 3 से 4000 रुपये में। तो होटल्स के मामले में थाईलैंड थोड़ा सस्ता है और एक अफोर्डेबल प्लेस है थाईलैंड, क्योंकि वो वहाँ की करेंसी जो चलती है बात, अगर आप इंडिया से 10 हज़ार रुपये लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5000 बात हो जाते हैं, यानी कि थाईलैंड की करेंसी यहाँ से डबल है, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो है वो सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती है। तो होटल अगर आप लेते हैं 2 नाइट बैंकॉक में, 2 नाइट पटाया में, तो मैं आपको बता दूं दोनों की कॉस्टिंग 2000 रुपीज़ पर नाइट आपको पड़ सकती है, यानी कि चारों दिन का 8000 रुपये, जो कि 2 पर्सनस का होगा। तो यानी कि सिंगल पर्सन अगर पर पर्सन अगर हम देखें तो कॉस्टिंग आपको 4000 to 5000 रुपीज़ 4 नाइट्स की होटल की पड़ेगी, जिसमें एक लग्जरी होटल में आप रुक सकते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, रिसोर्ट टाइप, विलास, बार वगैरह ऐसा सब कुछ आपको मिल सकता है। मैं बता दूँ दोस्तों 2 नाइट बैंकॉक जो कि जाना जाता है अपने नाइट लाइफ के बारे में और मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मंदिर, टेम्पल्स वगैरह जो है वो विजिट करने के लिए, और पटाया जाना चाहता है अपने बीचेस के बारे में, एक साफ़ सुथरे बीचेस, सी और ये सब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो पटाया भी जा सकते हैं। तो दोनों की जो दूरी है वो है 110 किलोमीटर की, जहाँ बैंकॉक से पटाया जाने में आपको लगते हैं 3 घंटे, और उसकी जो कॉस्टिंग आती है आपको 200 रुपये पर पर्सन, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, जाना और 200 रुपये आना। तो आप बैंकॉक से पटाया जा सकते हैं और 2 दिन वहाँ पर इंजॉय करिए, वहाँ के सीज़, वहाँ के सी वगैरह, ओशंस वगैरह की लाइफ इंजॉय करें, और 2 दिन आप बैंकॉक की नाइट लाइफ इंजॉय करें। ये आपको वीज़ा की बात कर लेते हैं, ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा जो कि 2000 रुपये टूरिस्ट वीज़ा होगा 15 डेज़ का, तो वो आपको ऑन अराइवल बहुत ईजीली मिल जाएगा बैंकॉक आपको लैंड होते ही। तो ये ओवरऑल जो पर पर्सन जो भी खर्चा है, ये टोटल कॉस्टिंग इसकी जोड़ूंगा तो 25 से 26 हज़ार रुपये पड़ रहा है, जिसमें आना जाना, फूड और टैक्सी का इसमें 4 से 5000 रुपये ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड है, जिसमें बैंकॉक आना जाना वगैरह, और जो भी आप टुक टुक से विज़िट करेंगे या फिर कहीं भी आना जाना टैक्सी से, बस से, या फिर लोकल जो भी आप लेते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड है 4000 to 5000। तो 25 से 26 हज़ार रुपये ये कम्प्लीट पैकेज बनेगा आपका, जिसमें आप इंडिया से बैंकॉक, बैंकॉक से पटाया, पटाया से वापस बैंकॉक और बैंकॉक से वापस इंडिया, ये आप 5 डेज़ का एक काफ़ी अच्छा टूर बनेगा। और साथ ही बता दूँ आप 6 से 7000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलिए अगर आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सी वर्ल्ड में जाना, जैसे ओशन एक्टिविटी जो भी होती है, और जैसे कि नाइट सफारी, और इनके जो चार्जेस है ये 1500, 2000, 2500, ये वहाँ पे लोकल आपको डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन 5 से 7000 रुपये आप इनको मान के चलिए एक्स्ट्रा में, जिसमें ये सारे एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएगी, 5 से 7 एक्टिविटीज़, जो कि सी एक्टिविटी, एक्वेरियम विजिट, जू विजिट, नाइट सफारी विजिट, ऑर्केस्ट्रा और जो भी वहाँ जो होती है ना एक्टिविटीज़, वो सब आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा 30 से 32 हज़ार रुपये एक लग्जरी, जिसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टूर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, और कमेंट करें आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन।